पत्नी ने लगाए पति पर गंभीर आरोप, पुलिस थाना ओबरी में मामला दर्ज। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना अंतर्गत पाटला मेहता निवासी गीतांजलि त्रिवेदी ने कहा कि उसकी शादी हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता है और आए दिन पीड़ित महिला के माँ बाप से पैसों की मांग करता है। उसने बताया कि उसका मायका लिमड़ी है और उसके माँ बाप उसका भरण पोषण करते हैं, जबकि उसका पति पिछले कई समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है। उसने पुलिस थाना ओबरी में रिपोर्ट दर्ज करवाकर थाना अधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए पति से तलाक की मांग की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498-323 के तहत मामला दर्ज कर जांच अनुसंधान प्रारंभ कर दी है। मेरा पति मुझे आए दिन मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, यूँ बोलता है कि तेरे पापा के घर से प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पैसे ला, और मैं वहाँ ले जाती हूँ, पैसे भी ले जाती हूँ, उसको देती भी हूँ, और माँ बहनों का कहना मानकर मुझे मेरे साथ मारपीट करता है और वापस मायके बिठा देता है, और है ना इलाज मेरे मायके वाले कराते हैं, तो मैं कब तक ऐसा सहन करूँ। मैं मेरे दो बच्चे हैं, एक 7 साल का लड़का और 11 महीने की लड़की है, तो मेरे साथ न्याय करो। अभी आपके साथ क्या घटना घटी है बताइए? मेरे साथ ये इतनी घटना हुई है कि हमारे जो बड़े दादा हैं उनके लड़के की शादी कर रही गामटवाड़ा में, वो मेरे मामा जी की लड़की है, सगे मामा जी की, तो मैंने इतनी बात की है बड़ी सास के आगे कि इस घर के जो लड़के हैं ना शादी करके बहुएं तो ले आती है लेकिन उनको रखना नहीं आता, तो बस इतनी बात हुई है, उस बात को लेकर बात का बतंगड़ बन गया और उसने मेरे साथ मेरे पति ने मारपीट की है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। आपने थाने में रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कल? क्या न्याय क्या चाहती है? क्या चाहती बस है? अब मुझे तलाक दे दो और मेरे बच्चों के भरण पोषण के का वो कर दो मेरा व्यवस्था, और बच्चे तो उसके आज भी है उसके और कल भी उसके ही रहेगी, मैं किसी और के साथ थी नहीं और ना गलत हूँ ना गलत सहन कर सकती हूँ, बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीतांजलि त्रिवेदी है, निवासी लिमड़ी, पापा का घर लिमड़ी है और शादी मेहतो का पाड़ा कराया है। धन्यवाद। ईमानदारी की मिसाल पेश, एक महिला का खोया हुआ पर्स लौटाया। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत एक बैंक में पुनर्वास कॉलोनी निवासी केपी सिंह चिकली को एक पर्स मिला। पर्स में आधार कार्ड, सिम कार्ड और कुछ रुपए भी पाए गए, जिस पर ओबरी निवासी मीनू कुंवर पत्नी देवेंद्र सिंह नाम अंकित था, जिस पर पुलिस थाना ओबरी गोविंद सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने उक्त पते पर तलाश कर ओबरी पुलिस थाना बुलाकर पर्स को सुपुर्द किया। इस दौरान महिला के पति ने समाज सेवी केपी सिंह चिकली को ईमानदारी की मिसाल पेश करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान, मुकाम ओबरी से हूँ। कल दिनांक कौन सी थी? 11 जुलाई को हम लोग सागवाड़ा बैंक में गए थे, ICICI बैंक में। वहाँ पे मिसेस के हाथ से उनका एक लेडीज पर्स गिर गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी भी ईमानदारी जिंदा है समाज में, अपने इस एरिया में खास करके, कि केपी सिंह जी मुकाम चिकली को उनको मिला और उन्होंने कल रात को ही वो देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं आए, और आज मेरा जो पर्स है मेरी वाइफ का और सब कुशल जितनी रकम थी उसके साथ में मिला है। तो मैं तो आप सबसे अपील करता हूँ, केपी सिंह जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत, और इस तरह से ईमानदारी अपने समाज में बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।